शहर में हर गांव तक सड़क, बिजली, पानी का वादा करके जाने कितनी सरकारें आईं और गईं। देश की आजादी के बाद से ही राजनेताओं के इन झूठे वादों का दंश मध्य प्रदेश का एक गांव झेल रहा है, जिसमें आज तक सड़क नहीं है। इस गांव में कच्चे रास्तों पर चलते चलते कई पीढ़ियां बदल गई, और नहीं बदली तो इस रास्ते की सूरत। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहा है, हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मगर देश का दुर्भाग्य है कि कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़कें ही नहीं हैं। ये बेहद हैरान करने वाली बात है, जहां हम मंगल और चांद तक पहुंच चुके हैं, वहां जाने का रास्ता खोज चुके हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आज भी चुरहट विधानसभा का एक ऐसा गाँव है जहाँ हमारे देश के भविष्य को स्कूल जाने के लिए सड़क का इंतजार है। सीधी भी गजब है। इस जिले से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री सहित कई मुख्य पदों पर लोग पहुंचे, लेकिन जिले में आज भी चुरहट विधानसभा क्षेत्र के गांव चोरगढ़ी मैराटोला में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। वहां के स्कूली बच्चे मुख्यमंत्री कमलनाथ से सड़क बनवाने की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है, सरकार से अभी तक हम परेशानियां झेल कर नाराज थे, मगर अब तो स्कूल के बच्चों को भी भरोसा नहीं रहा। इन बच्चों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने का जो तरीका निकाला है, शायद मुख्यमंत्री कमलनाथ तक उनकी बात पहुंच जाए। बच्चों ने 26 जनवरी के कार्यक्रम में एक ऐसा गीत गाया जिसे सुनकर अभी तक की सभी सरकारें शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। लीजिए कमलनाथ जी इस गीत में, बच्चों ने आपके सरकारी तंत्र की बखिया उधेड़ कर रख दी है। मंत्री ना सुने, मुख्यमंत्री ना सुने, मंत्री ना सुने, मुख्यमंत्री ना सुने, सुन लीजिए गांव वालों, हमारी पाठशाला की रोड बने बाद हमें नादान बालिकाएं, पाठशाला की रोड बने बाद पंचे ना सुने सर, पंचे ना सुने, पंचे ना सुने सर, पंचे ना सुने, सुन लीजिए मंत्री महोदय, हमारी पाठशाला की रोड बने बाद। ये गाना गा रहे बच्चे सीधी जिले के शासकीय हाई स्कूल चोरगढ़ी मैराटोला के हैं, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सरकार की पोल खोलते हुए गीत गा रहे हैं। स्कूल जाने के लिए 20 सालों से सड़कों के लिए ये बच्चे तरस रहे हैं। सरकार और सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण स्कूल पहुंचने के लिए खेतों से गुजरना पड़ता है, और 500 मीटर की सड़क की मांग स्कूल के बच्चे 20 साल से क्षेत्र के पूर्व विधायक और मंत्री अजय सिंह राहुल, अर्जुन सिंह से लेकर कलेक्टर तक कर चुके हैं। फिर भी जब सड़क नहीं बन पाई तो इन बच्चों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सड़क बनवाने को लेकर गीत गाया, जिसमें बच्चों ने कलेक्टर, एसपी सभी से रोड की व्यथा को सुनाया और आम जनता से भी अपील की कि अब आप गांव वाले ही मिलकर हमारे स्कूल की सड़क बनवा दो। गौर करने वाली बात यह है कि सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र का ये गांव, जहां से प्रदेश को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मिले थे, और वर्तमान में इसी जिले से कमलेश्वर पटेल कैबिनेट मंत्री हैं। देखना होगा कि इस गीत को सुनने के बाद सत्ता के मद में चूर इन नेताओं के कानों पर जुरेंटी है या नहीं। हम लोगों को स्कूल आने में बहुत दिक्कत होती है, सड़क ना होने की वजह से और ज़्यादा दिक्कत होती है, बरसात में तो और भी ज़्यादा। 200 मीटर हम लोगों के स्कूल आना, वहाँ पे रास्ता नहीं है, और खेतों से होकर आना पड़ता है, जिससे जिनके खेत हैं उनकी फसल भी ख़राब हो जाती है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को स्कूल आने के लिए पक्की सड़क बन जाए। ये मैं सरकारी स्कूल जो है चुरगड़ी गाँव का है, और यहाँ पर जो छात्रों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो कुछ हद तक तो दिखती हैं, लेकिन जो बेसिक यहाँ की प्रॉब्लम है वो है, यहाँ पर करीब 200 मीटर की सड़क है जो कच्ची है, और बच्चे जो हैं इनको गुजरना पड़ता है खेतों से, खलिहानों से आना पड़ता है, और ये दुर्भाग्य की बात ये है कि यहाँ 20 सालों से ये प्रकरण चल रहा है, और इसके लिए यहाँ के जिलाधीश से लेकर
जो भी यहाँ के मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, हर तरह के स्तर पर पूरा प्रयास किया जा चुका है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकारी तंत्र जिस देश के में इस तरह की व्यवस्था आज भी नहीं है कि एक बार में सुन लिया जाता हो, और आज भी सड़क की लड़ाई के लिए लड़ रहा है ये स्कूल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।